नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब शेख गुलाम रब्बानी ने आज यहां कोलकाता प्रेस क्लब में अमित शाह के बंगाल दौरे की सख्त मजम्मत की और ये ऐलान किया कि अमित शाह या उनके साथी मैडम ममता बनर्जी की क्यादत में चलने वाली मरी बंगाल हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने यहां कोलकाता में ईश्वर चंद विद्यासागर के मुजस्मे को तोड़ा था। शेख गुलाम रब्बानी ने यह भी कहा कि बीजेपी की क्यादत में चलने वाली योगी हुकूमत में दलित और कबायली लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। हाथरस में एक दलित लड़की की अस्तमाई इस्मत दरी की गई और यहां अमित शाह आकर आदिवासियों के घरों में जाकर खाना खाने की नौटंकी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर मौजूद शेख गुलाम रब्बानी और दीगर मुकर्ररीन ने क्या कहा। देखिए नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मौजू है वो ये है कि बंगाल को बचाना है और बीजेपी को यहाँ से भगाना है। तो बीजेपी को भगाना है तो क्यों भगाना है, तो ये है उसका पूरा खाका। इसमें आप देख सकते हैं कि 45 पॉइंट इसमें कवर किया गया है, लेकिन है तो 4500 पॉइंट है, लेकिन अभी हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर 45 पॉइंट को हम लोगों ने पब्लिक और आवाम के सामने रखा है। आपके मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि आने वाले वक्त में जो 2021 में जो विधानसभा इलेक्शन बंगाल में होने जा रहा है माइनॉरिटीज़ की वोट जो है किसके तरफ जाएगी ये डिपेंड करेगा। और ये मैसेज जो है हमारे बीजेपी के उन मेंबर्स की तरफ में जा रहा है जो बीजेपी जो अंधभक्त जो लीडर हैं उनके पीछे में मोदी जिंदाबाद और अमित शाह जिंदाबाद और दिलीप घोष जिंदाबाद कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं वो जाने, क्योंकि वो उनके साथ में क्या फ़ायदा पहुंचाया क्या नुकसान पहुंचाया है कि आपके साथ में वो हमेशा खड़े थे कि नहीं खड़े थे, तो ये पॉइंट्स पूरा डिस्कस करता है। और मैं ये सभी बीजेपी के मेंबर से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आँख खोलें और अगर पैसे के पीछे नहीं भागें तो इज्जत और मान सम्मान बंगाल को बचाने के लिए आप लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर यहाँ पे बंगाल में मैडम ममता बनर्जी को बहुमत से जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम 2012 सीट मैडम ममता बनर्जी को करके दिया गया था, इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से मैडम ममता बनर्जी वापस से सरकार में आए, क्योंकि वो ऐसी एक मास लीडर हैं जो हमारे नेशनल माइनॉरिटी जो हमारे मास लीडर हैं जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध जैन दलित सबके हक के लिए बात करती है, सबके फायदे के लिए बात करती है, बंगाल की संस्कृति के लिए बात करती है। लेकिन आप देखते हैं कि जब अमित शाह यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मूर्ति को यहाँ पे तोड़कर चले जाते हैं, उनके मेंबर्स तोड़कर चले जाते हैं। मैं उनको मेंबर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर अच्छा बंगाल देना चाहते हैं तो आप मैडम ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें, मान सम्मान से यहाँ पर में आप काम करें ताकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों मिलकर जो है यहाँ से बीजेपी को आने वाले वक्त में भगाने वाली है। क्योंकि हम लोगों की आवाज़ यही है, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की आवाज़ यही है कि इस चीज़ को आप लोग अपने अपने घरों में जितना फैलाएं उतना अच्छा है, क्योंकि और इस पॉइंट्स में और इजाफा करें, अपने घर पे इसको फ्रेम बना कर रखें ताकि आप जब वोट करने जाएं तो इस पॉइंट्स को एक बार देख लें जरूर से कि नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की आवाज़ क्या है और क्या करना चाह रहा है बंगाल में, किसका हाथ को मजबूत करना चाह रहा है बंगाल में। क्योंकि आज के डेट में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना बीजेपी का एक पॉलिसी है कि आपको एक ऐसा जगह में भटका देंगे कि आप पुराना जो उनका दुर्नीति है वो भूल जाते हैं। तो इसमें जो है पुराना से लेकर नया दुर्नीति पूरा है। आप उसमें देखा जाए कि हथरस में रेप हुआ, मार कर उसको जला दिया गया विदाउट उनका परमिशन, विदाउट घर का परमिशन, उनका फैमिली मेंबर्स का परमिशन के विदाउट परमिशन ड्यू परमिशन उनको उनके उनके बॉडी को जो है जला दिया था। मैं जलाने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसको उसको जो है जलाया गया है विदाउट ड्यू परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये भी एक दुर्नीति है। आज आप देखा जाए कि रेप कैपिटल है वो यूपी बन गया है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि बंगाल भी जो है आने वाले वक्त में यही रेप कैपिटल माना जाए। तो हम लोगों की आवाज़ यही है कि लोग आप लोग जागें और खास करके बीजेपी के मेंबर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किस लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, कि कौन आपका लीडर है ये आप जानें, आपकी लीडर की दुर्नीति क्या है वो आप लोग जानें, आपके लीडर क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए, हर सभी स्टेट के लिए, तो ये आप लोग जानें। और खास तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने अपने इलाकों में ये जागरूकता फैलाएं, ये अवेयरनेस फैलाएं कि आने वाले वक्त में बीजेपी को वोट ना करें और बंगाल को बचाएं। बंगाल को बचाना है, बीजेपी को यहाँ से भगाना है। एकता है और सच्चाई को लेकर साथ चलेगा तो वो कारवां बन जाएगा, काफिला बन जाएगा। इसलिए कि सच्चाई के लिए आज हर कोई बेचैन है और झूठ से नफरत से बिल्कुल नफरत हो गई है हमारे हिंदुस्तान के अवाम को, बंगाल के अवाम को, इन तमाम चीज़ों से जो ये फेस कर रहे हैं रोज़गार के मामले में और मज़हब के मामले में, इन तमाम चीज़ों को फेस कर कर के जो है ये
हर कम्युनिटी इसके जुल्म का शिकार हो रही है। इस बुनियाद पर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इदारा हमारे लिए आगे चलकर बहुत मुनाफा बख्श होगा। इसीलिए मैंने कहा था अपने स्पीच में कि हम लोग जो यहाँ आए हैं वो दिल से आए हैं, कोई फार्मूला पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम आए हैं। और अपने साथ हम खुद ही जाते हैं और अपने साथ लेकर हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, ताकि हमारे हिंदुस्तान की भलाई हो और बंगाल में किसी की दखल अंदाजी न हो। जरूरी था इसीलिए कि अभी जो हमारे इंडिया के मंत्री जो है, बहुत बड़े मंत्री है, वो यहाँ आके बहुत कुछ कहे गए हैं। और हमारे इंडिया के जो पोजीशन है, सबसे बड़ा पोजीशन, सबसे प्रॉब्लम ये है, हमारा इकोनॉमिक पोजीशन एकदम खराब है। आप लोग खुद भी सबसे बड़ा माध्यम है जनता के लिए कि मीडिया, ये मीडिया को जरूर मालूम होना चाहिए। मीडिया के थ्रू हम लोग ये बोलना चाहते कि इंडिया के अभी जो पोजीशन है, हमारे रोजगार, बेरोजगारी, ये ऐसा हो गया है कि आने वाले दिन क्या होगा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग को एक आशा दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ होगा, आगे कुछ होगा, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से हम लोग का इनकम सबका बंद है। लेकिन अभी आज हमारे फिनांस मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो बोल रहे हैं कि अगले दिन में क्या होगा हमको नहीं मालूम, गॉड नोज। तो ये अगर कोई, हम लोग अगर काम धाम बंद करके अगर घर में बैठ जाए, बोले गॉड नोज हमको, तो ये हमको समझ में नहीं आता है कैसे क्या होगा। सबसे बड़ा बात है कि मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बहुत आशा था हम लोग का, यहाँ बहुत आदमी बोले ये बात आशा था। लेकिन देखिए, रेल, LIC, बैंक, सबको वो बेचने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। आज की डेट में सबसे बड़ा फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन LIC है। LIC जो सोने का अंडा देता है, उसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेडी हो गए। सब अगर जनता को ये बहुत कम मालूम है, आज हमारे जो ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सबके पीछे LIC का कितना योगदान रहता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसा देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ कुछ पैसा वापस नहीं आता। इसको बेच रहा है, इसका वजह क्या है? इसका एक ही वजह, उनका पास फंड नहीं है, सब फंड उनको इलेक्शन में खत्म हो जाता है। दूसरा आप देख लीजिएगा, बैंक के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, अगला दिन ऐसा आ रहा है कि आप, बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है कि बैंक में जो पैसा रखेगा आदमी, जो बैंक में पैसा रखेगा उसका चार्ज कटेगा। आज जैसे ATM से पैसा उठाने में चार्ज कट रहा है, अगले दिन बैंक में पैसा रखने से चार्ज कटेगा। ये मैं अब दवा किस बोल सकता हूँ, इसीलिए कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं नौकरी करता हूँ, तो मुझे मालूम है ये क्या होने वाला है। दूसरा चीज आप देखिए, बैंक को मार्च किया जा रहा है। इसके मतलब आपको जो बैंक में तीन चार बैंक को एक साथ मार्च करके जो एम्प्लॉयज है, वो जो रिटायर करेंगे, उसके बाद नया एम्प्लॉयज को ले लिया जाएगा। तीसरा चीज, रेल को उन्होंने बेच दे रहा है, जो रेल हमारे हर आदमी के, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के लिए रेलवेज है, वो रेल को बेच रहा है। 151 ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, 109 प्लेटफॉर्म को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, एयरपोर्ट को उन्होंने बेच दिए हैं, अदानी एयरपोर्ट हो गया है ऑलरेडी। तो ये जो हमारे फाइनेंशियल हैजर्ड है, इसके खिलाफ हम लोग को आवाज देना है, अगले दिन ये हमको कदम लेना है। दूसरी बात, हर वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम है, इसी के वजह से फूड का वैल्यू बढ़ रहा है। ये सब के खिलाफ आवाज उठाना है। नेशनल माइनॉरिटी फोरम जो हमको जिम्मेदारी दिए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे गुलाम रब्बानी साहब भाई हैं, उन्होंने हमको बोला है आपको ये आवाज उठाना है, मैं ये आवाज उठाऊंगा। इसमें आपका हेल्प चाहिए, आप लोग जो मीडिया के हैं, वो मीडिया के जरिए करोड़ों आदमी के पास ये आवाज जाएगा। मेरा आवाज जहां तक जाता है कि आवाज उठाइए, हम लोग हिंदुस्तान को बचाना है, अपना पेट को बचाना है, अगले जो हम लोग का पीढ़ी जो आ रहा है, उस पीढ़ी को रोजगारी देना है, बेरोजगारी नहीं। थैंक यू।